इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड विश्व के सबसे बड़े ग्राहक सेवा संगठनों में से एक है। इंडियन ऑयल अपने स्टेक होल्डरों को वैल्यू प्रदान करने के लिए केयर, इनोवेशन, पैशन एवं ट्रस्ट के मूल सिद्धांतों का पोषण करता है। इसके ऑपरेशन और कस्टमर इंटरफेस का आकार और विविधता इंडियन ऑयल को एक अत्याधिक कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट इकाई बनाती है। इंडियन ऑयल 9 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहकों, वितरकों, डीलरों और ट्रांसपोर्टरों की व्यापारिक विविधता के लिए अलग अलग प्रकार के इंटरफेस की आवश्यकता होती है। प्रतिवर्ष सभी इंटरफेस पर इतने अधिक ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जिनकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। ऐसे में संस्थागत कार्य पद्धतियों और मजबूत सिस्टम के माध्यम से ही पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है, क्योंकि इंडियन ऑयल जनता के पैसे से डील कर रहा है, इसलिए विजिलेंस विभाग की टिप्पणियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के समय में सतर्कता क्रियाकलाप इंडियन ऑयल के प्रबंधकीय कार्य का अभिन्न अंग है। सतर्कता कार्यों के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रिवेंटिव यानी निवारक, प्यूनिटिव यानी दंडात्मक और पार्टिसिपेटिव यानी सहभागी सतर्कता शामिल है। बेहतर और प्रेरणादायक कार्य परिवेश के लिए इंडियन ऑयल अधिकतम प्रिवेंटिव विजिलेंस सुनिश्चित करता है। इंडियन ऑयल इज हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू कनेक्ट विद इट्स स्टेक होल्डर्स थ्रू द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। इंडियन ऑयल हैज सक्सेसफुली ट्रांसलेटेड इट्स पब्लिक डीलिंग फंक्शंस ऑनटू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स। वेदर इट्स ऑटोमेशन ऑफ फ्यूल स्टेशंस, एलपीजी रीफिल बुकिंग थ्रू द वेब, IVRS एंड SMS, पहल इनिशिएटिव फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी टू कस्टमर्स बैंक अकाउंट्स, transparency in the dealer selection process, e-tendering, e-payments and e-collections and mobile applications for retail customers and dealers. This has gone a long way in ensuring transparency, accountability and probity. With continuous guidance and support from the vigilance team under the aegis of CVC, Indian Oil continues to work towards greater openness, transparency and trust. Preventive vigilance company ke sabhi staron par chalne wali ek nirantar prakriya hai aur prabandhan bhi इस पर पूरा ध्यान देता है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अनुरूप इंडियन ऑयल ने नवीनतम सॉफ्टवेयर जैसे SAP और ऑटोमेशन सिस्टम के माध्यम से अपने सभी पब्लिक डीलिंग कार्यों को टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया है। मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने का लंबा फासला तय करने का इंडियन ऑयल लगातार प्रयास कर रहा है। इसमें सभी प्रमुख कार्य जैसे वितरण, रिटेल सेल्स और एलपीजी की व्यापार के प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप शामिल हैं। इन ऑटोमेटेड समाधानों से भ्रष्टाचार, चोरी और बर्बादी को रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ चैनल पार्टनर एवं ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा। रिटेल आउटलेटों का ऑटोमेशन, बेहतर पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने के लिए रिटेल आउटलेट में CCTV, वेंडरों के लिए बिल ट्रैकिंग सिस्टम BTS पोर्टल। BTS में वेंडर के बिल की गतिविधि दर्ज की जाती है और सत्यापन के लिए प्राप्त करने से लेकर वेंडरों को भुगतान किए जाने तक इनकी निगरानी की जाती है। SMS इंडेंटिंग, ये 24/7 सेवा SMS के माध्यम से सभी बेसिक फीचर्स वाले फोन पर उपलब्ध है। अभी तक SMS इंडेंटिंग के जरिए 1,000 करोड़ से अधिक इंडेंट बनाए गए हैं। डीलर इंडेंट अनुरोध भेजता है, SAP ERP ऑर्डर क्रिएट होता है, क्वेरी प्रोसेस होती है, डीलर को SMS भेजा जाता है। जो डिजिटल इंडिया ये जो माध्यम से हमने जो एक्सप्रेस बोल के एक ऐप्स इंट्रोड्यूस किया है, उसके वजह से डीलर्स को, ऐसे कस्टमर को, इंडियन ऑयल को
उससे बहुत सारा बेनिफिट है. फॉर एग्जाम्पल, अब हमको 4000 लीटर पेट्रोल का जरूरत है और 10000 लीटर डीजल का जरूरत है, तो इंडेट किया तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल में पहुंच जाएगा ऑनलाइन के थ्रू. तो पहुंचते पहुंचते इमीडिएट हमको रिप्ले भी आएगा जो आपका इंडेट ये सेल्स ऑर्डर नंबर थ्रू क्रिएट हुआ है. इसका मतलब हम बैठे बैठे सुकून से ये सब महसूस कर सकते हैं कि बिजनेस हम ईजी से कर सकते हैं. दूसरा क्या है, ई लेजर के थ्रू हमारा जो ट्रांजैक्शन है, हमारे अकाउंट में कितना पैसा है, कितना हम डेबिट है, कि डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट है, ये सब ट्रांजैक्शन हम बैठे देख सकते हैं. उसका दूसरा एक फ़ायदा है जो एडिटिंग पर्पस में हम इतना चिंता करने की जरूरत नहीं. जो आया हमने क्लिक किया तो जो भी हो, साल का रिपोर्ट, 2 साल का रिपोर्ट, 3 साल का रिपोर्ट बैठे बैठे निकाल के दे सकते हैं. अकाउंट पर्पस में हम क्लियर रह सकते हैं, दूसरी चीज़ में भी क्लियर रह सकते हैं. फाइनली हम ये कहना चाहते हैं, आफ्टर डिजिटलाइजेशन तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया अदा करते और इसका सपोर्ट करते. रिटेल आउटलेट ऑटोमेशन ने कई सुविधाएं रिटेल कस्टमर को उपलब्ध कराई हैं, जैसे प्रदर्शित मूल्य, ऑटोमेटेड डिलीवरी, सुनिश्चित मात्रा, तत्काल मूल्य अपडेट. जब भी पेट्रोल और डीजल के मूल्य में संशोधन होता है, केंद्रीय सर्वर के माध्यम से सभी आउटलेटों में मूल्य स्वतः ही संशोधित हो जाते हैं. इसके फलस्वरूप ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पूर्ण पारदर्शिता प्राप्त होती है. डिस्पेंसिंग यूनिट में रिकॉर्डिंग. डिस्पेंसिंग यूनिट में स्वतः रिकॉर्डिंग की सुविधा के माध्यम से ग्राहकों को वितरित की गई मात्रा की रिकॉर्डिंग दिखाई जा सकती है, जिसे न केवल वितरण में पारदर्शिता आती है बल्कि ग्राहक संतुष्टि भी बढ़ती है. मैं पिछले कई साल से इंडियन ऑयल का कस्टमर रहा हूँ. मेरे को इधर बहुत सिक्योर फील होता है, क्योंकि पहले तो ऑटोमेटिक सभी नहीं था, अभी सब ऑटोमेटिक हो चुका है. इसीलिए हमको कोई डरने का कोई बात नहीं रहता है, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहता है. अगर चाहे तो इधर चेक भी कर सकते हैं कि मैंने पेट्रोल कितना डाला और जीरो से हुआ है कि नहीं. अगर डेंसिटी है तो प्रॉब्लम है तो भी हम चेक कर सकता है. और कोई कंप्लेन, अब अगर कोई कंप्लेन हो, कोई शिकायत हो, तो हम इधर फील्ड ऑफिसर का नंबर भी रहता है और हम उनसे उनको कॉल करके भी बोल सकते हैं. एलपीजी वितरण और मार्केटिंग में भ्रष्टाचार की रोकथाम. एलपीजी हमारे देश का सबसे पसंदीदा कुकिंग फ्यूल है. विगत में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में मैनुअल प्रक्रिया अपनाई जाती थी, जो काफी बोझिल और ज्यादा समय लेती थी. एलपीजी ग्राहकों के नजरिए से कई प्रक्रियाओं को काफी आसान और पारदर्शी बना दिया गया है. IVRS SMS रीफिल बुकिंग सिस्टम. ग्राहक SMS या IVRS की सुविधा के माध्यम से अपनी रीफिल बुक करा सकते हैं. उन्हें बुकिंग, कैश मेमो की प्रिंटिंग और डिलीवरी पर SMS कंफर्मेशन मिलेंगी. वेबसाइट www.indane.co.in अंग्रेजी सहित 13 प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वेबसाइट www.mylpg.in भी उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं. उदाहरण स्वरूप, ऑनलाइन रिफिल बुकिंग, नए कनेक्शन के लिए आवेदन, सब्सिडी छोड़ने का विकल्प, मैकेनिक सर्विस के लिए अनुरोध, अपनी पसंद का वितरक चुनने के लिए शिफ्टिंग हेतु ऑनलाइन पोर्टेबिलिटी, पीएनजी ग्राहकों के लिए नया कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन ऑनलाइन सरेंडर करने के लिए आवेदन. मैं इंडियन गैस की काफी सालों से कस्टमर हूं और मैंने ये देखा है कि अब तो गैस बुक करना बहुत आसान काम हो गया. पहले ऐसा होता था कि गैस बुक करनी हो तो काफ़ी मुश्किल से फ़ोन लगती थी, लाइन हमेशा बिजी रहती थी और कई बार कट भी हो जाती थी. लेकिन अब इतना आसान हो गया सब पब्लिक के लिए कि हम गैस किसी टाइम भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, सेल फोन के थ्रू कर सकते हैं. और अगर कोई घर बदल रहा है और या किसी की ट्रांसफ़र हो रही है तो भी कोई मुश्किल नहीं है, वो तो इंटरनेट के थ्रू या सेल फोन के थ्रू भी अपनी गैस सिलेंडर सरेंडर कर सकता है, बुक कर सकता है. और गैस आने के पहले हमको मैसेज भी आ जाता है कि आपकी गैस आ रही है. और फिर हम लोग घर पर नहीं भी हैं तो अपने घर के लोगों के हाथ में पैसे दे के चले जाते हैं कि गैस आने वाली है, ताकि गैस वो रिसीव कर लें.
सहज ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन जारी करना, ये तेल विपणन कंपनियों द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत उठाया गया एक और नया कदम है। ईएसवी एक इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्रिप्शन वाउचर है जो ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन रिलीज करने पर ग्राहक को ईमेल किया जाता है। टैंक ट्रक लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम में सुधार हेतु कई नए कदम उठाए गए हैं। टैंक ट्रक उपयोग और निष्पादन में पारदर्शिता के लिए टैंक ट्रक योजना और कार्यक्रम का स्वचालन, इंडेंट स्वीकृति और टैंक ट्रकों की लोडिंग के बाद बिल बनने की एसएमएस द्वारा सूचना, किसी भी तरह के कथित भ्रष्टाचार की संभावना का निराकरण करने के लिए टैंक ट्रक की ऑटो लोडिंग और बिलिंग, रेडार गेज और स्टॉक गणना के माध्यम से गेज बुक का ऑटो जनरेशन, जो मानवीय चूक और हेरा फेरी की संभावनाओं का निराकरण करता है, रास्ते में उत्पाद की चोरी को रोकने के लिए स्टेनलेस स्टील लॉकिंग सिस्टम, लोडिंग स्थान से लेकर रिटेल आउटलेट या उपभोक्ता के परिसर तक पहुंचने तक उत्पाद से भरे वाहनों की ट्रैकिंग के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम VTS के तहत ट्रकों की अनलोडिंग होने तक उनकी अधिक गति, मार्ग से भटकने और अनुचित ठहराव पर नजर रखी जाती है। ऑटो बिल जनरेशन, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, स्वतः पंक्तिबद्ध होना, इन सभी की सहायता से ट्रांसपोर्टरों के लिए ऑपरेशन सरल और तेज बन गए हैं। गाड़ी लोडिंग के लिए अपने भी जितना भी ट्रक है वो ट्रक लोडिंग के लिए आएंगे ना, तो ट्रक पार्किंग में से ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से वो अपने आप गाड़ी एंटर होते ही गेट अपने आप ओपन हो जाता है, वो अपने आप खुद ही से लोडिंग ले लेता है, लोडिंग लेता है, बे नंबर बता देता है और भी अनाउंसमेंट भी आ जाता है, तो राउंड मार के आने के बाद इधर चेक पॉइंट में आएंगे, चेक कर लेंगे, लॉकिंग बे को जाएंगे, लॉक ओपन करने के बाद लोडिंग की जाएंगे, लोडिंग की जाके उधर लोडिंग का इसका पहले तो तीसरा डिपो में तो 45 मिनट्स लगता था, तो हमारा अभी बहुत सारा टाइम कम हो गया, तो 12 मिनट्स का हो गया इधर टाइम अपना, 12 मिनट्स में अपना लोड भर जाता है, तो फिर भी फौरन 20 मिनट्स में अपना लोड सब कुछ भी हो जाए के आउट हो जाते हैं। गाड़ी बाहर आने के बाद ये जो VTS के सिस्टम के वजह से गाड़ी कई रुकी है, क्या कितना फास्ट है, कितना जोर से जा रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या, कहाँ पे रुका, सब कुछ भी जो डीलर हो, ट्रांसपोर्टर हो, ऑफिसर सभी को पता चल जाता है। सो ये बॉटम फिलिंग का सिस्टम के लिए स्मार्ट टर्मिनल है, ये हमें कभी समझा भी नहीं, ऐसे स्मार्ट टर्मिनल अपने आंध्रा में आया, इंडिया में आता है बोलकर समझा ही नहीं, तो आ गया, तो हम लोग बहुत हैप्पी है। मोबाइल एप्लीकेशन एम्पावर फील्ड और ऑपरेटिंग लोकेशन पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक ऐप एम्पावर, एक फिंगर टच पर कई प्रकार की इंफॉर्मेशन ढूंढने में कर्मचारियों की सहायता करता है, जैसे ग्राहक का शेष नकद भुगतान, ऑर्डर की स्थिति, सेल्स ट्रैकर एवं कई और सुविधाएं। एक्स स्पर्श डीलरों के लिए मोबाइल ऐप, ये यूजर फ्रेंडली ऐप डीलरों को कई प्रकार की जानकारी देता है, जैसे ऑर्डर स्टेटस, नकद शेष, भुगतान, बिक्री, बिक्री मूल्य और बिलिंग मूल्य, फ्यूल एट IOC, आम जनता के लिए वरदान। ये ऐप अत्यंत महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने में जनता की मदद करता है, जैसे 5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित रिटेल आउटलेट्स की जानकारी, उपलब्ध सेवाओं का विवरण, पेट्रोल और डीजल के दाम, वाहन जांच और सुरक्षा के मापदंड, फीडबैक की व्यवस्था। एलपीजी ग्राहकों की सुविधा के लिए 3 मोबाइल एप्लीकेशंस विकसित किए गए हैं, रीफिल बुकिंग, दूसरे सिलेंडर का आवेदन या मैकेनिक सेवा का आवेदन, आधार लिंकिंग स्टेटस देखने के लिए, QR रीडर द्वारा आधार सीडिंग के लिए,
नई नीतिगत पहल, एलपीजी सिलेंडरों पर टेम्पर एविडेंट सील। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडरों पर टेम्पर एविडेंट सील लगानी शुरू की है। नया फॉर्म्यूलेशन और सील डिजाइन अत्यधिक सुरक्षित है, क्योंकि जब भी इससे छेड़छाड़ का प्रयास किया जाता है तो ये स्वतः टूट जाती है। सबसे पहले इसे दिल्ली में शुरू किया गया है और इसके बाद इसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। पहल, एलपीजी सब्सिडी का ग्राहक के खाते में सीधा ट्रांसफर। पहल या प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ एक ऐसी योजना है जिसके तहत एलपीजी सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। रियायती दरों पर सिलेंडर सीधे ग्राहकों को बेचने की पहले की योजना के स्थान पर ये योजना यानी पहल शुरू की गई है। पहल योजना शुरू करने के बाद तेल कंपनियों, वितरकों एवं ग्राहकों को बहुत सहायता मिली है। डाइवर्शन को समाप्त करके सरकारी धन की बचत, हकदारी सुरक्षित और उपभोक्ता के लिए सब्सिडी सुनिश्चित, वास्तविक उपयोगकर्ता के लिए एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और डिलीवरी में सुधार, नकली और डुप्लीकेट कनेक्शनों को बंद करना, सब्सिडी में स्वतः चयन को सुगम बनाना, सभी उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए नकदी हस्तांतरण अनुपालनकर्ता यानी कि सीटीसी बनना जरूरी है। ग्राहक वितरक के यहाँ रिफिल बुक करता है। ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी बाजार मूल्य पर की जाती है। ऑर्डर डिलीवरी के बाद सब्सिडी राशि का हस्तांतरण शुरू होता है। आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और सब्सिडी राशि, ग्राहक का बैंक खाता, ग्राहक द्वारा नकदी निकालना। लागू अधिकतम सीमा तक सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती है। बैंक खाते के सीडिंग डेटा का विश्लेषण करने के बाद तेल कंपनियों ने बैंक खाते के आधार पर पहचाने गए एक से अधिक कनेक्शनों को बंद करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा तेल कंपनियों ने एक से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं के एक ही बैंक खाते की सीडिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। अगर स्थानीय स्तर पर नकली और फर्जी कनेक्शन पाए जाते हैं तो फील्ड अधिकारियों द्वारा वितरकों के विरुद्ध एमडीजी के अनुसार कार्यवाही की जाती है। ई टेंडरिंग, पारदर्शिता एवं जवाबदेही संबंधी उपाय। इंडियन ऑयल द्वारा विभिन्न कार्यों के ठेके का निर्णय टेंडर द्वारा किया जाता है। सभी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए वर्ष 2012 में इंडियन ऑयल में मैनुअल टेंडरिंग के स्थान पर ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2015-2016 की पहली तिमाही के अंत तक 10 लाख से अधिक मूल्य के लिए 98.3% ई टेंडर और 5 लाख से अधिक मूल्य के लिए 97.66% ई टेंडर किए गए हैं। ई पेमेंट और ई कलेक्शन, भुगतान और कलेक्शन का कंप्यूटरीकरण भी कर दिया गया है और ई पेमेंट्स और ई कलेक्शन द्वारा वेंडरों, कर्मचारियों और कॉरपोरेशन को अत्यंत जरूरी पारदर्शिता उपलब्ध कराने में मदद मिली है। डीलर चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया। अब डीलरों का चयन केवल अंकों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि आवेदकों को पात्रता शर्तों को पूरा करने के अलावा चयन प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। कॉर्पोरेशन के अपने डीलरों द्वारा परिचालित आउटलेट बोली प्रक्रिया द्वारा दिए जाते हैं, जबकि डीलरों द्वारा परिचालित आउटलेट व कॉर्पस फंड आउटलेट ड्रॉ ऑफ लॉट से किए जाते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के तत्वाधान में सतर्कता टीम के सतत मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता से इंडियन ऑयल अधिक खुलेपन की दिशा में काम करने में समर्थ हुआ है।
proactive and preventive vigilance plays a very important part in the good corporate governance of the public sector organizations. The Central Vigilance Commission is observing 26th October to 31st October 2015 as the Vigilance Awareness Week. The idea is to encourage public sector and government employees to bring in its concept of transparency and totally eliminate the corrupt practices. The Central Vigilance Commission appreciates the efforts being made by Indian Oil Corporation by bringing in the Integrity Pact in full scale implementation, which has improved the vigilance procedures in the Indian Oil Corporation. I wish Indian Oil Corporation all the best in all their endeavors towards preventive vigilance. ये यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि जारी है, और कंपनी निरंतर सुधार के पथ पर आगे और आगे ही बढ़ती रहेगी।